तो दोस्तों यही है वो चीज़ जो कि आपकी सफ़ेद बाल और सफ़ेद दाढ़ी मुझको हमेशा के लिए और जड़ से बना देगी काला। दोस्तों ये कुछ मेहंदी का पाउडर नहीं है, अगर आप मेहंदी करते हैं अपने बालों में तो उनसे आपके बालों का रंग लाल हो जाता है, मगर ये जो पाउडर है नेचुरल पाउडर, इससे आपके बालों का रंग काला हो जाता है और जड़ से आपके बालों को काला करता है और हमेशा के लिए करता है। दोस्तों इस नुस्खे में मैं आपको दो स्टेप में बताऊँगा कि आपको अपने बाल, सफ़ेद होते हुए बाल, चाहे वो कम उम्र में हो, चाहे 40-50 साल की अगर आपकी उम्र है फिर भी अगर आपके बाल सफ़ेद है और उसको आप जड़ से काला करना चाहते हैं तो इस वीडियो को हमारे साथ देखते रहिए, दो स्टेप में ये नुस्खा होगा। तो चलिए आइए दोस्तों शुरू करते हैं इस नुस्खे को। तो दोस्तों इस पाउडर का नाम है इंडिको पाउडर, ये आपके बालों को जड़ से काला करता है। अगर आप बड़े शहर में या बड़े गांव में रहते हैं तो आपको बाजार से लगभग आसानी से मिल जाएगा। अगर आप इसको ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको लिंक दी हुई है, आप ज़रूर से वहाँ से चाहे तो आप ले सकते हैं। तो दोस्तों इस नुस्खे को बनाने के लिए आपको लगभग से 3 से 4 चम्मच ये जो इंडिको पाउडर है यहाँ ले लेना है, और उसके बाद दोस्तों आपको इसमें यूज़ करना है लगभग से, ये आप देख सकते हैं, एक चुटकी जितना मैंने यहाँ नमक लिया है। तो ये नमक है वो आप इस तरह की कटोरी में, जब आपने इंडिको पाउडर लिया है वहाँ आप इसमें ऐड कर दीजिए। फिर आपको इसमें यूज़ करना होगा गर्म वाटर, बिल्कुल गर्म होना चाहिए, ना ही ठंडा। तो आप इसमें ज़रूरत के हिसाब से ये जो वाटर है गर्म वाटर वो आप यहाँ यूज़ कर दीजिए कुछ इस तरह से, और फिर आप इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। तो दोस्तों अगर आपने इस तरह की पेस्ट तैयार कर ली है तो आपको इसको 10 से 15 मिनट तक यूं ही छोड़ देना है, उसके बाद आप अपने बालों में इसको अप्लाई करें। अप्लाई करने के बाद लगभग से 2 से 3 घंटे बाद आप इसको बिल्कुल ठंडे पानी से रिमूव कर दीजिए। आप एक ही बार के इस्तेमाल से देखेंगे कि आपके जो बाल है वो काले हो गए हैं, यानी कि नीले रंग के हो गए हैं। तो अब दोस्तों बारी आती है दूसरे स्टेप की। तो आप इस तरह की एक कटोरी ले लीजिए और उसमें आप आलू के छिलके इकट्ठे कर लीजिए कुछ इस तरह से। फिर दोस्तों आपको इसमें लगभग आधा गिलास ये जो वाटर है आप इस तरह से ऐड कर दीजिए, और दोस्तों इसमें आधा गिलास पानी ऐड करने के बाद आपको इसको लगभग से 5 से 10 मिनट तक गैस पे उबाल लेना है, यानी कि आपको गर्म कर लेना है। उसके बाद जो वाटर इसमें बचता है उसको आप अच्छी तरह से छान लीजिए और उसमें लगभग आप 1 चम्मच जितना ये जो एलोवेरा जेल है वो अच्छे से मिक्स कर लीजिए। तो ये दोस्तों आपका तैयार हो गया है हेयर सीरम। इसको आप किसी प्लास्टिक की बोतल या किसी स्प्रे बोतल में आप अच्छे से स्टोर करके रख सकते हैं, रोज रात को सोने से पहले आप अपने बालों में लगा दीजिए। मगर दोस्तों आप एक बात का अच्छे से ख्याल रखें कि आपने अगर इंडिगो वाले पाउडर का नुस्खे का जो यूज़ अपने बालों में किया है तो आप इस नुस्खे का यूज़ 2 से 3 दिन बाद अपने बालों में कर सकते हैं। दोस्तों इसमें जो हमने यूज़ किया था आलू, उसमें मौजूद होता है बहुत सारा स्टार्च जो कि हमारे बालों को जड़ से काला करता है। तो आप इसको रोज रात को सोने से पहले अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इंडिको वाला नुस्खा नहीं करना चाहते, इंडिको पाउडर वाला, तो आप इसको डेली यूज़ कर सकते हैं अपने बालों में, तो ये आपके बालों को धीरे धीरे काला करता है। तो दोस्तों अगर आप ये हर रोज़ यूज़ करेंगे तो आपके बालों का जो रंग है वो धीरे धीरे काला होने लगेगा। अगर आपने यूज़ किया है इंडिको पाउडर वाला नुस्खा तो आपके बाल पहले से ही काले हैं, वो जो रंग आपके बालों में है उसको ये बनाए रखेगा। तो दोस्तों वीक में अगर आप चाहे तो इसको 3 से 4 बार अप्लाई कर सकते हैं जो, और जो इंडिगो पाउडर वाला नुस्खा है वो आप महीने में एक बार करें। इसके डेली इस्तेमाल से आपके बाल जड़ से काले होंगे। तो कैसा लगा आज का हमारा वीडियो, पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। मैं मिलूंगा नए नुस्खे के साथ, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।